मुंह तो बंद करो अंकल। अचानक जा, मुझे नहीं मानता, जा प्लीज 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 प्लीज। सच में शादी कर रही हूँ? नहीं गाइस, ये माला रियल है। क्या मतलब, हम इसके साथ कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ और ये इतना बेकार है। एकदम नहीं, क्योंकि काम खराब हो जाएगा। अरे यार, मेरा इंट्रो तो बोलने दो, कुछ नहीं बोलने दे। हेलो डियर, तो कैसे हो आप सब? बहुत बुरे हैं हम लोग। गाइस, आज मेरा शादी है, वो भी इसके साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो गाइस, आज का वीडियो में आने वाला है डबल नहीं 100 times ज्यादा मजा, क्योंकि आज हम लोग प्रैंक करने वाले हैं इसके मम्मी मतलब आंटी जी के ऊपर, और वो भी मैरिज प्रैंक। यार क्या होगा, कैसे होगा, कुछ तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी प्लान की है 100% बता रहे हैं, ये बच सकती है लेकिन हम नहीं बच सकते। मुझे तो लग रहा है मुझे भी मार पड़ने वाला है, तो चलो यार जल्दी से तैयारी करते हैं प्रैंक की। Not much later. So guys, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी शादी का माला लेने के लिए। हमारा शादी तो फेक है, शादी फेक है, पर माला रियल है। लग रहा कटने आ गए हैं कि माला लेके। तो यार माला कितना खर्चा है अंकल? 50 rupees. 50 अंकल, 50 rupees खर्चा हो गया माला के पीछे, मुझे दे देना बाद में। 50 rupees लगे, 40 करके लीजिए। शादी कुछ भाग के कर रहे हैं अंकल, भाग के शादी कर रहे हैं, थोड़ा तो कम कर दो। एक ही बार जिंदगी में शादी करेंगे, वो भी भाग के। अगर कुछ खराब होना देना चाहिए, एक बार शादी होता है। हाँ लेकिन भाग के हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, एक ही बार शादी कर रहे हैं तो अंकल जी को खुश होके दे देते हैं 100 rupees। लेकिन अंकल जी, आप गिफ्ट में कुछ देना पड़ेगा। हाँ गिफ्ट में कुछ देना पड़ेगा। रोज दीजिए, गिफ्ट खुद ही मांग लेते हैं हम लोग। यार देखो कितना बेशरम कपल है हम लोग। हाँ क्योंकि हम खानदानी गरीब है। वाओ थैंक यू अंकल। तो अंकल ने ये हमारा शादी का गिफ्ट भी दे दिया। हाँ पैसा दे दिया। चलो चलो। So guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्लोविया हॉल। एंड गाइस, क्लोविया में ना आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में एक्टिव वेयर, लॉजरी, नाइट सूट्स, ये सारी चीजें मिल जाती है। गाइस अभी अभी आने वाला है क्लोविया का प्री फेस्टिव सेल, जहाँ पे आपको 50-70% ऑफ मिलेगा एंड 300 rupees ऑफ मिलेगा ऑन 1299। साथ में सारे लॉजरी पे मिल जाएगा 60% ऑफ। एंड नाइट सूट स्टार्ट होते हैं सिर्फ 499 rupees से, एंड आपको सरप्राइज गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो गाइस चलो देख लो कि मैंने कौन से नाइट सूट्स लिए हैं। सो ये पहला नाइट सूट है बिल्कुल 100% कॉटन मटेरियल का। गाइस मटेरियल तो अच्छा है ही, साथ ही में डोनट प्रिंट बना हुआ है, कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है। एंड नेक्स्ट जो नाइट सूट है ये ना बिल्कुल सैटिन मटेरियल का है, तो बहुत ज्यादा पॉश एंड लग्जूरियस लगता है। एंड इतना स्मूथ है मैं क्या ही बताऊं, इसमें भी प्रिंट बहुत ही सुंदर फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है, बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे ये भी। ये जो नाइट सूट है गाइज ये बिल्कुल पेल पिंक कलर का है, एंड इसमें ना फ्रेंच फ्राइज एंड फूड का बिल्कुल प्रिंट बना हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है आप भी बताओ। मैंने सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एंड डू यूज माई कूपन कोड NeilCLV10 for 10% off on 499. मुंह तो बंद करो अंकल। हाँ नया शादी हुआ। ये एड़े, तेरे बाप की शादी है क्या रे?
शादी कर रही हूँ और इन लोग मतलब मुझे को पहचान के आ गए हैं सेल्फी लेने के लिए। आज मेरा शादी है, कांग्रेचुलेशन बोलो। गाइस कितने सारे नील हर्ट्स मिल रहे हैं मुझे आज, बताओ आज क्या है मेरा शादी? नहीं शादी नहीं है, ऐसे ही प्रैंक है वीडियो। स्वीट। सो गाइस पब्लिक रिएक्शन तो बहुत हो चुका है, बट अभी मेन जगह में जाना बाकी है, तो यार जल्दी से चलते हैं। और सीटू ना ऑलरेडी आंटी के पास चला गया है, सब कुछ रेडी करके रखेगा, कैमरा वगैरह सब कुछ। तो यार वो लोग ने कॉल किया था कि सब कुछ रेडी हो चुका है, तो जल्दी से जाना है, तो जल्दी चलते हैं। और ये सिंदूर भी लगाना है पता है, बट मुझे अभी लिपस्टिक नहीं मिल रहा, तो लिपस्टिक ढूंढ के सिंदूर भी लगाऊंगी। चलो तो फाइनली मुझे मिल गया लिपस्टिक। एक चुटकी लिपस्टिक की कीमत तुम क्या जानोगे? कुछ तो गड़बड़ है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या बोला? मैंने बोला कि आपका शादी नहीं हुआ। नहीं हुआ? लग नहीं रहा। नहीं, सिंदूर लगा तो सिंदूर, ये इसको नहीं बोलते, सिंदूर इसको बोलते हम लोग। इसको भी सिंदूर की तरह लग रहा है ना? सिंदूर नहीं बोलते इसे, हम लोग लिपस्टिक बोलते हैं। 2000 years later. है आंटी, कैसा है? तुम कैसे आए बाबू? अच्छा है। तुम आया कहीं बोला? अरे हम आ रहे हैं, आते लेंगे, काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीटू ऑलरेडी चला गया था आंटी के पास, एंड वो अच्छे से आंटी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ऐसे ही कैमरा को भी छुपा दिया। A few moments later. मजा कर रहा शादी कर रहा तुम लोग, वीडियो वीडियो बना रहा बाप। चलो तो बोलो। एक्चुअली आंटी हम दोनों के बीच में ना कुछ मतलब काफी दिनों से रिश्ता था, बट हम लोग आपको बता नहीं पाए। और मैंने मेरे घर में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, घर वाले बोल रहे थे कि शादी कर लो जल्दी शादी कर लो, तो मैंने इसको बोला कि घर से प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने बोला था इसको कि आपको बोले। तुम लोगों को वीडियो वाला बना बना रहा है, जोर मजाक कर रहे हैं। हम देखो इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे कि हां हम जाने सच में बोल रहा, गुस्सा नहीं हो रहा। नहीं आंटी सच में अरे शादी कर लिया बाबू, बोला हम बोलना भी चाह रहे थे आंटी सच में शादी कर बोलने वाले थे, लेकिन क्या नए लोग का थोड़ा जल्दी में हो गया, इसका घर से थोड़ा मेरे घर से तो और लोगों को दिया नहीं, वो लोग दोनों किया हम कहे नहीं, कोर्ट मैरिज में गए थे तो फिर रंजना ने बोले तुम लोगों बहुत शादी कर लिया है, बार भागो। हाँ भाई कैसी लगी? देखो आंटी एकदम सब कुछ पहले जैसा ही है, बस हमने सिर्फ शादी कर लिया है क्योंकि घर में प्रॉब्लम था ना, इसलिए हम लोग आपको बताने वाले थे। नहीं हम जाने नहीं, हम आपको बताते तुम लोगों को वीडियो बना रहा, वीडियो जो करो मजाक रहे शादी। नहीं आंटी नहीं, भी शादी करें लेकिन अभी मतलब अभी बस कर लिया, बहुत अर्जेंट था मैंने तो फिर नहीं, प्रेशर हम नहीं माने अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो हम तो यही घर मानते हैं ना, तो हम थोड़ी ना नवरस्ता नहीं, तुम घर थोड़ा सा नहीं कि जाओ बोगो नहीं कि रुओ, तो कहाँ थोड़ा सा लेके जाए जो भी जा, तो यही सब जाओ रास्ता घाट शादी कर लिया अपना मन से रास्ता घाट में जाओ, ये फंस गया। नहीं आंटी प्लीज ऐसा मत करो, तो भगा के नहीं आया ना? नहीं अरे भगा के थोड़ा नहीं, मैं खुद भाग के आई हूँ आंटी, उधर उसके घर में राजी नहीं हो रहा था, तुम तो बोल के किया था। नहीं हम खुद इतना टेंशन में थे मतलब आंटी, मैंने इसको बोला यही बाबू जी, हम कुछ नहीं किया आंटी सच में, हम तो ऐसे ही बैठे, हम क्या करेंगे, हमको कह के जनाया नहीं, हम कैसे जनाए, ये लोग जनाने के लिए मना किया ना, खुश नहीं है बता, नहीं हम खुश कैसा होगा, हम जाने रहा वीडियो बना रहा मजाक कर रहा मेरा संग रहा, आज तुम लोगों सच मुच के शादी करके चला आया, हम कैसा मजाक बहावेगा उसे खुश होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आंटी प्लीज आंटी ऐसा मत करो, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ आपको तो पता है ना, आपको तो पता है ना, छोड़ो छोड़ो हम ऐसा नहीं कर सकेगा बाबू, छोड़ दिया नहीं नहीं बाबू तुम मेरा संग, अरे पापा आने से पहले तो हम समझ तो हमें थे फिर, नहीं आंटी प्लीज प्लीज नहीं, हम तो बेटी मानता तुम ऐसी करा हम नहीं कर सकते, अब रो मत आंटी रो मत रो मत, नहीं हम नहीं करेगा, मतलब जोड़ी भी देख रहा अच्छा लग रहा, कहाँ खराबी है, हमें नहीं कर सकेगा बड़ा हरामी हो बेटा बाबू, कहे एक दिन से बार बार बोल रहा, हम तो नहीं मान रहा बोल रहा, तुम जाओ ना तुम कमा रहा,
नहीं कमा रहे तो क्या हुआ, शादी नहीं कर सकते? कुछ भी खा लूंगी मैं, आधा रोटी खा के रह जाऊंगी आंटी। तो पापा तो कमा रहा ना? नहीं पापा कमा रहा, क्या हुआ? तो फिर हम लोग खा रहे, मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, थोड़ा सा कम करके इसको खिला देंगे मम्मी। अरे तुम तो आज ही बहू का सपोर्ट ले लिया। तो बहू का सपोर्ट नहीं लेंगे शादी के बाद? हम तो तेरा सपोर्ट में है, लेकिन अभी आया है ना मम्मी अचानक से। जा मुझे शादी नहीं मानता, जाओ। काहे गुस्सा? नहीं तुम जाओ, तो जा से बांध कर कहा जाएंगे आंटी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मारिए मत प्लीज। पूछा मैंने कुछ? अब बाबू मैंने माथा गरम मत करना बाबू, ठीक है? हाँ हाँ बैठ रहा, तुम निकालो उसको। लेकिन चाय फाय मम्मी सब बनाने आता, वो जो नहीं बना पाई हम बना देंगे, तो माथा काहे गरम कर रहा? हम कुछ नहीं बोल सकेगा, हमको गुस्सा आ रहा है खुने बहुत जोर। बाबू तुम लोग जाओ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, का करेंगे हम? कहा बताएगा तुमको, कहा जाएगा, कहा तो कमा रहे हो तुम? अरे तो नहीं कमा रहे तो पापा कमा रहा ना आंटी, जो भी आप लोग खाओगे। बाबू को धरेगा? हम कुछ नहीं किया आंटी, वो लोग अब क्या ही बताया हम लोग। नहीं नहीं तुमको धरेगा, तुम कहेंगे बड़ा है कि रोका नहीं उन लोग को? हम तो रोके थे, हम बोले थे कि तुम कमा नहीं रहे, तुम हो ना, तुम और ही पूरे होगा। मार मान लेना मम्मी, अब काहे ऐसा कर रहे, बता मान रहा नहीं? मतलब एक तो तेरा हम बेटा थोड़ी ना, हमें 10 बेटा है। तुम जाओ, उन्होंने आप मुझसे प्यार नहीं करते आंटी। अरे इसको मतलब हम नहीं रहेंगे? नहीं सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। तो वो रहेगी तो फिर हम बाहर कैसे रहेंगे मम्मी? नहीं गलती तो तुम्हारा ही है ना, तुमने आंटी को नहीं बोला, तुम्हें तो बोलना चाहिए था। तो तुम ही ना बोली हड़बड़ा के शादी करने। तो मैं बोलूंगी हड़बड़ा के शादी करने, तुम अपने मम्मी को नहीं बोलोगे? तो मतलब तुम यहाँ रहोगी, हम बाहर रहेंगे? हाँ एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्या पार्टी पलट? तो बाहर तुम्हें रहना चाहिए आंटी, बाहर निकाल दो इसको, मारो थोड़ा और, बाहर निकाल दो, थोड़ा मार के बाहर निकाल दो। आंटी शादी हुआ नहीं, लिपस्टिक है। वहाँ देखो फोन रखा हुआ है, तुम लोग मजाक कर रहे हो। इसका भी क्या, ये वाला कैमरा ऑन है, दूल्हे का सारा। ओ सॉरी कॉपीराइट पड़ जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? एक्टिंग आंटी को सच में रुला दिया, मुझे इतना बुरा लगा, आंटी रो दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। सॉरी आंटी, सच में सॉरी, पूरा नहीं था। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। बहुत ज्यादा डर डर के मैंने वीडियो बनाया, बीच बीच में तो लग रहा था कि बोल ही दूं। दिल दादा इसे धक धक करता है। हम खुद कर रहे हैं, जब वो फेंका ना इसे छोड़, तुम्हारा वो छीट दिया वो वाला माला। हाँ माला, जब आंटी ने माला आपको भी आज अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा ना? पूरा सीरियस शादी सोच लिया था। हाँ हम सीरियस सोच लिया था। बहू रख लो, बहू नहीं बेटी। सो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है आंटी? लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो क्या बनाओ गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत सारा प्यार देना।